चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां चाचा ने खूनी रिश्ते को कलंकित कर अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता पिता की तहरीर पर आरोपी को हिरासत में लेकर किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एटा चौराहे के पास एक गेस्ट हाउस का है, जहां कुछ परिवार मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ये सभी लोग बंगाल के निवासी हैं और शिकोहाबाद में मजदूरी का काम करते हैं। वहीं रहमान नाम के एक व्यक्ति ने, जो किसी परिवार के साथ रहता था, उसने अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पीड़ित नाबालिग बच्ची के पिता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं किशोरी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। फिरोजाबाद से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। सरिया शिकोहाबाद में नाबालिग के साथ जो बलात्कार हुआ है, ये क्या घटना है? आज सुबह लगभग 5:30 बजे एटा रोड पवन गेस्ट हाउस में रहने वाले ताजिम ने सूचना दी कि मेरी लड़की मौसिमा, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, रहमान नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसके द्वारा बलात्कार किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।